Hello friend, welcome to my YouTube channel. First of all, thanks for all the subscription. We have reached a family of around 1700, and I will request those who are watching it for the first time, please subscribe the channel for more updates. Let's begin the video. दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जैसे CBI है, CID है, तो स्टेट में CID होता है और सेंट्रल लेवल पे CBI होता है. इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA हम लोग जिसे बोलते हैं. सो CBI क्या है, NIA क्या है. फिर किसी भी देश में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि एक होता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और दूसरा होता है आपका इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस का काम होता है इंटेलिजेंस गैदर करना, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना. तो हमारे पास इंटेलिजेंस के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, फिर उसके अलावा RAW भी है हमारे पास है, और इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI है, NIA है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है. जैसे अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस अगर हैं ज़्यादा, तो उसमें आपका उसके लिए ED भी है. ED का भी अलग काम है, फंक्शन है. लेकिन आज हम लोग देखेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही चर्चा में है, डैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को जानने से पहले हमें याद रखना होगा, जो हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो जानना है सिर्फ हम वही जानेंगे. फर्स्ट, इसका लोगो क्या है और इसका मोटो क्या है. तो इसका मोटो आप देख सकते हैं, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी. दीज थ्री वर्ड्स आर मोटो ऑफ CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब इसके लिए हमको जानना जरूरी है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है. नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, सो समथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग. सो हमें जानना होगा कि CBI की ज़रूरत क्यों पड़ी, CBI का इतिहास क्या है, CBI कैसे वजूद में आया. तो इसका वजूद के बारे में हम जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है. तो सबसे पहले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारा वॉर डिपार्टमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया का वॉर डिपार्टमेंट था. वो वॉर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदते थे, जैसे सपोज मिलिट्री टैंक एट्सेट्रा, ये वो परचेज करते थे. तो इसमें बहुत सारे एलिगेशन आते थे ब्राइबरी एंड करप्शन के. तो इस ब्राइबरी एंड एलिगेशन करप्शन को जांच पड़ताल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, डैट वॉज कॉल्ड स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर 1941. इट्स ओनली पर्पज ऑफ द जॉब वॉज टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इन द वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट. इसके बाद ये उस तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और हम आज़ादी की तरफ बढ़ने लगे. आज़ादी के दौरान जब 1946 आया, तो उस वक्त हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महसूस हुआ कि कुछ ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो एलिगेशन ऑफ करप्शन है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट अ लेजिस्लेशन दैट इज कॉल्ड दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. प्लीज़ रिमेंबर दिस ईयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. अब हम बढ़ते आगे, 1946 एक्ट आ गया. अब धीरे धीरे उस वक्त तक इसे 1946 और कुछ सालों तक इसे DSPE ही कहा जाता था, लेकिन फॉर्मली 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदल कर दिया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डैट इज़ CBI. सो CBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1963. और इसका काम क्या था, इसका काम भी ऑलमोस्ट सेम था, इन्वेस्टिगेट सीरियस क्राइम्स. किस तरह के क्राइम, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट था उसका काम था सिर्फ जो वॉर प्रोक्योरमेंट में जो करप्शन था उसको जांच पड़ताल करना. लेकिन अब CBI का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसे और भी बढ़ा दिया गया, और ये हर तरह के सीरियस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट या करप्शन हाई प्लेस. सपोज कोई मिनिस्टर करप्शन करते हैं तो उसके लिए हाई प्लेसेस करप्शन, सीरियस फ्रॉड, बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड वगैरह होते हैं तो उसके लिए चाहिए. बहुत सारा चीटिंग हो जाता है कभी कभी हमारे देश में, जैसे हम लोगों को मालूम है हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, बहुत सारा ब्लैक मार्केटिंग होता है उससे जो होता है, ये सब के लिए. लेकिन ये सब जो मामला होगा, ये किस तरह के मामला होंगे, ऐसा मामला जो ऑल इंडिया या इंटर स्टेट जिसे असर होंगे, इस तरह के मामलों की जांच पड़ताल कौन करेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. लेट्स मूव अहेड एंड
व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पावर, ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो सीबीआई हम लोग जानते हैं कि सीबीआई जो इट वाज द रीनेम्ड सीबीआई इज नथिंग बट द न्यू वर्जन ऑफ डीएसपी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। दैट्स व्हाई डीएसपी एक्ट 1947 इज द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ सीबीआई। एंड वन थिंग फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, फाउंडर डायरेक्टर, हु वाज द फाउंडर डायरेक्टर, he was the Sri D.P. Kohli, and it is the picture of Sri D.P. Kohli. He was the first director of CBI. Let's move to the next question, that is supervision of CBI, यानी कि CBI के ऊपर निगरानी का काम कौन करेगा। ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके ऊपर भी तो निगरानी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ हम लोग को देखते हैं कि CBI के ऊपर दो तरह से निगरानी किया जाता है। ऐसा कोई भी केस जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत हो, तो उसकी सुपरविजन, उस केस का सुपरविजन CBI की, उस केस की सुपरविजन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करेगी। यानी कि ऐसा कोई भी करप्शन का मामला हो जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत दर्ज हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल CVC करेगी। और दूसरा, इसके अलावा छोड़ के जो भी मैटर आएगा, मान लीजिए कोई क्राइम हुआ है, जैसे नीलम कटारा केस, ये एक बहुत ही फेमस केस था, इसमें CBI ने जांच पड़ताल किया था, तो ये इस केस की जो सुपरविजन होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग करते हैं, जो कि एट प्रेजेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है ये मिनिस्ट्री। यार ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द इट्स पावर एंड स्कोप। सो दिस अंडर दिस सर्कमस्टांसेस CBI इज सुपरवाइज्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, CBI के डायरेक्टर जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। यानी कि कोई भी, जैसे अभी आलोक वर्मा CBI के डायरेक्टर थे, अभी कुछ लोग CBI के डायरेक्टर बनेंगे नेक्स्ट फ्यूचर में, तो इनका कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इसके लिए पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डिसाइड करते थे, लेकिन बाजाब्ते इसके बाद एक लोकपाल एक्ट बना है, और इस लोकपाल एक्ट में कहा गया है कि CBI के डायरेक्टर का जो पोस्ट होता है उसे फिलअप करने का काम, यानी कि अपॉइंटमेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। यानी कि सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट करेगी, और यूनियन गवर्नमेंट कैसे करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी रिपोर्ट। यानी कि एक सिलेक्शन कमेटी बनाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये सिलेक्शन कमेटी जिसका नाम का रिकमेंडेशन करेगी वही CBI के डायरेक्टर होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सिलेक्शन कमेटी में जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे। इसमें तीन मेंबर होते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि इस कमेटी के सर्च कमेटी के हेड होते हैं, सेकेंड होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, एंड थर्ड पर्सन इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। यानी कि ये तीन लोग CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि CBI ये जो सर्च कमेटी है या सिलेक्शन कमेटी है ये किसे सिलेक्ट करेगी। तो इसके लिए भी प्रोविज़न दिया गया है कि सबसे पहले होम मिनिस्ट्री कुछ IPS ऑफिसर जो कि DGP रैंक, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किसी भी स्टेट के सबसे बड़े ओहदा होता है पुलिस में DGP, उस रैंक के किसी भी ऑफिसर को, उस बहुत सारे ऑफिसर का नाम वो सिलेक्ट करेंगे, और वो DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को सेंड करेंगे, और वो सीनियोरिटी, इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ एंटी करप्शन केसेस में उनका जो एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे कुछ नाम, सपोज 5-6 नाम सेलेक्ट करके वो भेजेंगे सिलेक्ट कमेटी के पास। आफ्टर दैट सिलेक्ट कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड द नेम एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट CBI डायरेक्टर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली कम्स, हाउ CBI डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड, वेदर CBI डायरेक्टर कैन बी रिमूव्ड बाई सेंट्रल डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट। दैट्स वाई इन 1997 देर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज कॉल्ड विनीत नारायण, एंड इन दिस विनीत नारायण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द प्रोसीजर हाउ अ CBI डायरेक्टर कुड बी ट्रांसफर्ड और रिमूव्ड। तो इन दैट जजमेंट, विनीत नारायण जजमेंट, CBI डायरेक्टर पोस्ट वॉज फिक्स फॉर द टेन्योर ऑफ मिनिमम 2 years, यानी कि मिनिमम 2 साल तक वो काम कर सकेंगे एज ए CBI डायरेक्टर जिसे भी चुना जाएगा। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, अगर उसे ट्रांसफ़र भी करना होगा तो ट्रांसफ़र भी ऐसे आसानी से नहीं किया जा सकता है। ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज होने चाहिए, यानी कि कोई एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए जिसके बेसिस पे ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, और ये ट्रांसफ़र तभी होगा जबकि सिलेक्शन कमेटी के अप्रूवल होगा। और हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था,
कि सिलेक्शन कमेटी, एक सिलेक्शन कमेटी थी जो कि इसका नाम का रिकमेंडेशन करता था, और यहाँ जो सिलेक्शन कमेटी है ये है, इसमें इस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही, सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड होम सेक्रेटरी होंगे एंड सेक्रेटरी ऑफ पर्सनल, ये तीन लोगों की कमेटी सीबीआई डायरेक्टर को रिमूव करेगी या ट्रांसफ़र करेगी अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। दैट्स व्हाई वी हैव हर्ड इन द न्यूज़ दैट आलोक वर्मा हैज़ मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर हिज अगेंस्ट हिज रिमूवल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, व्हाट टाइप्स ऑफ क्राइम सीबीआई इन्वेस्टिगेट टुडे, मतलब किस तरह के केसेस सीबीआई के पास आते हैं। तो सीबीआई के तीन डिवीज़न होते हैं। एक होता है फर्स्ट एंटी करप्शन डिवीज़न, सेकेंड इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न, थर्ड स्पेशल क्राइम डिवीज़न। लेट्स सी व्हाट इज़ एंटी करप्शन डिवीज़न। तो एंटी करप्शन डिवीज़न है, नाम से ही पता चल रहा है कि करप्शन के खिलाफ कोई भी ऐसा मामला जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आते हैं, और इसमें इन्वॉल्व पर्सन कौन होंगे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय या पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉरपोरेशन या कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का इदारा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में आता है, तो उसके सर्वेंट्स के खिलाफ यानी उसके एम्प्लॉय के खिलाफ एंटी करप्शन यूनिट काम करता है, और ये सीबीआई के सबसे बड़ा डिवीज़न है। इट इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न हैविंग प्रेजेंस ऑलमोस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, सभी स्टेट में इनके ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट कम द इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न, नाम से पता चल रहा है इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से जो भी मामला होता है इसमें सुनवाई होता है। ये मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स जैसे हर्षद मेहता स्कैम, विजय माल्या स्कैम, सपोज आई बी गिविंग द आंसर विजय माल्या, राफेल डील एक्सेट्रा, दिस टाइप ऑफ केसेज इफ कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीबीआई देन द इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न मूव्स द केसेज। और फेक इंडियन करेंसी नोट्स, बैंक फ्रॉड, साइबर क्राइम, इस तरह के केसेस होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न परस्यू करते हैं। नेक्स्ट केस इज द स्पेशल क्राइम डिवीज़न। स्पेशल क्राइम डिवीज़न हम लोग, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि नीलम कटारा केस, इसमें बहुत बड़े पॉलिटिशियन का हाथ था, जेसिका लाल केस में भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन का हाथ था, तो उन इस तरह का केस हुआ, या आरओसी हेमराज मर्डर केस हम लोगों ने सुना दिल्ली में हुआ था जिसके ऊपर तलवार मूवी बनी थी, तो इस केस की जो सुनवाई होती है इसका भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर सकती है। लेकिन ये किस तरह के केस सुनवाई करेगी, जो इंडियन पिनल कोड के अंदर में जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसकी सुनवाई आईपीसी के अंदर जो भी क्राइम आते हैं उसका स्पेशल क्राइम डिवीज़न सॉल्व करती है। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि सीबीआई कोई भी केस अपने आप से नहीं ले सकता, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फेडरल कंट्री, यानी फेडरल कंट्री में एक सेंटर होते हैं, बहुत सारा स्टेट के यूनिट्स होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है दैट्स कम अंडर द स्टेट सब्जेक्ट। सो एंड सीबीआई इज़ अ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सो सीबीआई कैन नॉट डायरेक्टली टेक अप सच केसेज। इन दैट केसेज व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट when the state government requests the CBI or central government, in that situation CBI takes such cases. In other circumstances कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी कभी कभी सीबीआई को निर्देश देती है कि वो इस केस की सुनवाई करे, जिस तरह से अभी आप लोगों ने सुना होगा नजीब नाम का एक लड़का जो JNU में पढ़ता था वो अचानक से गायब हो गया, तो इस केस की सुनवाई हाई कोर्ट के कहने पर उन्होंने शुरू किया था। तो इस तरह से सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन करता है। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में मैंने कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एंड सीबीआई है, तो दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ। तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि हमारे 2008 नवंबर में हमारे देश में बहुत बड़ी मुंबई शहर पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जो इंटरनेशनल टेररिस्ट पाकिस्तान से आकर इंडिया में किया था उन्होंने। तो इस तरह के केसेस यानी कि टेरर रिलेटेड जो भी केस होंगे, यानी कि इनसे टेररिस्ट अटैक्स यानी कि फंडिंग ऑफ टेररिज्म या टेरर रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसकी जांच पड़ताल हमारे देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। तो फिर सीबीआई के किस तरह केसेस करेंगे, तो सीबीआई जो टेररिज्म के अलावा जो भी क्राइम ऑफ करप्शन या इकोनॉमिक ऑफेंस होगा या सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम होंगे जो टेरर के डेफिनेशन में नहीं आता है, उस तरह के केसेस की सुनवाई हमारे सीबीआई करेंगे। ठीक,
इससे रिलेटेड खूब एक 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 इम्पॉर्टेंट केस में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। इंटरपोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डॉन का इंतजार सारे देश की मुल्क पुलिस कर रही है, इंटरपोल भी करती है। तो अगर मान लीजिए इंटरपोल को कॉन्टैक्ट करना होगा इंडिया में, तो वो किसे कॉन्टैक्ट करेगी? तो इंटरपोल CBI को कॉन्टैक्ट करेगी। और सपोज एक रेड कॉर्नर नोटिस होता है, रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है कि कोई मान लीजिए कोई भगौड़ा है, कोई फ्यूजिटिव है, वो किसी दूसरे देश से भाग कर अगर इंडिया में आ गया है, तो इसको CBI इसको नोटिस लेगा और CBI इसको पकड़ने का काम करेगा। लेकिन कैन यू आंसर मी, जब कोई CBI किसी दूसरे देश के निवासी को अगर गिरफ्तार करेगा, पर्सन को गिरफ्तार करेगा, तो उसे क्या वापस किया जा सकता है? यस, अगर उस देश के साथ इंडिया का एक्सट्रैडिशन ट्रीटी है तो उस सूरत हाल में उसे उस देश के हवाले किया जा सकता है। लेकिन ये काम CBI नहीं करेगी, बिकॉज नोडल अथॉरिटी अंडर एक्सट्रैडिशन अथॉरिटी इज द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन में अंडर एक्सट्राडाइट करेगी। जैसे अबू सालेम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसे पोर्तुगल से एक्सट्राडाइट किया गया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है। इसके अलावा CBI के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डैट इज CBI ट्रेनिंग अकेडमी। और ये CBI ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ है? CBI ट्रेनिंग अकेडमी गाज़ियाबाद में। तो ये करंट अफेयर या GK के एतबार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड विजिट माई ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पेशेंस। थैंक यू सो मच।